हेलो एवरीवन वेलकम टू टूडेज अपडेट एंड आज के अपडेट में हम देख सकते हैं कि मार्केट हल्का सा ग्रीन हमें देखने को मिल रहा है क्या इसका रीजन है क्यों यहाँ पे इतना कम ही हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है Let's discuss it in today's video. तो जो है लेट्स डिस्कस इट इन वीडियो तो बिटकॉइन जो अपने सपोर्ट सपोर्ट पे पे आ गया है support पे ये थोड़ा बहुत कम्फर्टेबल हो रहा है स्ट्राइंग टू होल्ड बैक आप देख सकते हो उसने नीचे जाने की कोशिश करी है ऑलमोस्ट तीन बार बट हर बार जो है बाइंग प्रेशर आके इसको ऊपर लेके चला गया अगर हम यहाँ पे देखे आर साइज को तो आर जो है एक बाई का सिग्नल यहाँ पे हमें दे रही है इसके अलावा अगर हम और क्रिप्टोकरेंसीज को तो उन्होंने भी ज्यादा खोज ज़्यादा कुछ मूव नहीं किया है तो बिटकॉइन यहाँ पे अपना एक सपोर्ट फाइंड करने की बेसिकली कोशिश कर रहा है अगर हम बुलंजर बैंड प्राइम पीरियड में तो बुलंजर बैंड्स से काफी अच्छा रिजेक्शन हमें देखने को मिला इस एरिया में भी इस एरिया में भी एंड अभी हम जो है सपोर्ट वाले बुलंजर बैंड्स की साइड मूव कर रहे हैं रेजिस्टेंस वाले से हमें रेजिस्टेंस मिल गई है वी आर गोइंग टू वेट फॉर द प्राइस टू गो अप अपटल बट आई एम एक्सपेक्टिंग टू फाइव हंड्रेड तक जा सकता है एक छोटा सा बाउंस देख के फिर ही ये नीचे आएगा बट विल हैव टू वॉच आउट फॉर दैट अभी हम यहाँ पे शॉन नहीं हो सकते क्योंकि मार्केट में जो है वॉल्यूम हम कम है हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये हो सकता है अगर आप जाओगे हमारी वीडियो में तो फोर्थ फेब को हमने स्टेबलो है, है वो स्लो हो रहा है इसका मतलब की बाइंग प्रेशर जो है यहाँ पे डिक्रीज हो सकता है यू कैन गो चेक दिस वीडियो आउट जहां पर हमने इसको बताया था आपसे इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फेब और जनवरी का को रिलेशन किस तरीके से रहता है जो जो भी परिणाम हमारा जनवरी में आता है फेब में वो आना थोड़ा मुश्किल होता है तो जनवरी

शॉर्ट आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो इट एक्सचेंज का मतलब है कि पैसा आपके से ही ट्रेड होता है ऐसा नहीं है कि अगर बंद हो जाएगा, तो आपका वहाँ पे अटक जाएगा जो कि हमने काफी के साथ होते हुए ट्रेड तो करते हो आप लेवरेज लेके ट्रेड करना पसंद है तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज इसके साथ साथ एक डिजाइज एक्सचेंज का क्या फायदा होता है कि आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि एक्सचेंज किस साइड पे मूव करेगा क्या वो यहाँ पे फीचर ऐड करेगा नहीं करेगा तो करंटली

रहा है काफी सारे लोग अभी जो हैं है लॉन्ग है शॉर्ट्स थोड़े से कम डोमिनेट कर रहे हैं तो बुल्स यहाँ पे अभी भी अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इसके बाद आर अगर हम देखें तो न्यूट्रल आर एस यहाँ पे दिखा रहा है so तो दैट इज कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम लेकिन शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि, कि एक बुलिश आर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है इसके अलावा फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स देखिए तो एकदम बराबर में आ गया है जैसे ही ज्यादा बढ़ जाता है तो मार्केट एक पुल बैक लेना स्टार्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही गिर जाएगा या फिर हमें यहां पे ऑल इन हो जाना चाहिए यहाँ पे टाइम है वेट करने का लेट सी द सपोर्ट लेट सी ये सपोर्ट कितना एक्ट करता है किस वॉल्यूम से हम यहाँ से पुल पुश अप करते हैं अगर हम एक अच्छे वॉल्यूम से पुश अप करते हैं तो दैट मीन्स की बुल्स के पास अभी भी स्ट्रेंथ जो है बची है इसके अलावा एसपीएक्स की हालत देखें अगर हम तो एसपीएक्स ने पुल बैक लिया था हल्का सा उसके बाद लेटर इन द डे इसने थोड़ा ऊपर जाना स्टार्ट किया इट इज स्टिल एट इट सपोर्ट तो यहाँ से

हमें हल्का बहुत पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है इन्होंने भी एक मैसिव रिजेक्शन लिया एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी ये एक सपोर्ट पे है दिस सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पे गाला गेम्स ने जो किया है एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड इन्होंने ब्रेक किया उसके बाद एक अच्छी वॉल्यूम से ब्रेक किया एंड यहाँ पे अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देते हैं तो इसमें हमें अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को मिल सकता है तो यहाँ पे आप चाहें तो अपने ट्रेड फॉर्म कर सकते हैं कीप एन आई ऑन गाला बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन ये बीट गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार पहली चोट मौके सीन जैसे खेल टीम रगो मैं बैरनिक टीम